Hi guys, मैं हूँ मोमिता and welcome back to my channel. So इस वीडियो में मैं वो सारे शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हमने वियान के राइस सेरेमनी के लिए किया है. एक्चुअली मैं ना सोची थी कि ये सब कुछ मैं ब्लॉग स्टाइल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर मैं वो कर नहीं पाई क्योंकि जब से वो वीडियो गया है ना तब से मैं ये ब्लॉग शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर विहान जो है दो दिन से लगातार मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है. जब विहान सो भी रहा है ना तब वो मुझे ऐसे पकड़ के रख रहा है, मैं थोड़ी सी भी इधर उधर जाऊँ सो वो नींद से उठ जाता है एंड रोने लगता है, बस उसे मम्मा चाहिए होता है. इसी वजह से ब्लॉग जो है ब्लॉग मैं शूट कर ही नहीं पा रही हूँ. और आज क्योंकि संडे है तो शेखत है घर पे और विहान को मैंने अभी शेखत के पास छोड़ा है, तो शेखत उसको लेके थोड़ा सा बाहर घूम फिर रहा है. तो बाहर घूमना विहान को बहुत ज़्यादा पसंद है, सो इसलिए वो अभी है अपने पापा के पास. तो मैंने सोचा है कि इस बीच मैं आप लोगों को वो सब कुछ दिखा दूँ ताकि वीडियो जो है वीडियो जा पाए, वरना मेरा इनबॉक्स जो है वो फुल हो जाता है. दीदी प्लीज़ वीडियो डालो, वी आर वेटिंग, प्लीज़ वीडियो डालो. वीडियो ना अपलोड होने से बेटर यही है कि मैं सब कुछ मिला के एक छोटा सा ही सही हॉल स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोग वीडियो तो देख पाए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हो आप लोग मेरे वीडियोस की. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या क्या लिया है. ओके, सो फर्स्ट मैं विहान से ही स्टार्ट करती हूँ. तो ये शिरकत एक्चुअली कोलकाता गए थे लास्ट वीक. हाँ, शिरकत कोलकाता से लेके आए थे ये. सो ये है कुर्ता विथ पजामा एंड ऊपर है इसका हाफ ऐसा वाला जैकेट, मतलब पूरा एथनिक वेयर है ये. और ये ना थोड़ा सा बेज गोल्डन कलर की है और मैंने ही चूज़ किया है ऑफकोर्स क्योंकि वीडियो कॉल में मैंने चूज़ किया था सब कुछ. और मुझे कुछ ऐसे पैटर्न में ही चाहिए था जो विहान दिन के टाइम पहने, क्योंकि राइस सेरेमनी के जो रिचुअल्स है वो सब कुछ दिन में ही होने वाला है और हम लोग पार्टी रखेंगे रात को. सो दिन के टाइम विहान पहनने वाला है ये बेज गोल्डन कलर है और ये कुर्ता और पजामा. ऑल दो मैं उसको ये पजामा नहीं पहनाने वाली हूँ, पजामा बहुत ज़्यादा लंबा है पर मेरा प्लान भी नहीं है विहान को पजामा पहनाने का. मेरा प्लान है विहान को धोती पहनाने का. सो इसके साथ मुझे धोती नहीं मिला, पर क्योंकि कुर्ता हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया और यहाँ पे पॉकेट में दो कलर की है, मरून और बेज. मतलब इसको आप ना बेज कलर और मरून कलर के धोती के साथ पहना सकते हो. और शेखत ने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि धोती कुर्ता जो होता है ना सिर्फ उसको ढूंढने के लिए, पर शेखत को नहीं मिला. तो और ये मुझे पसंद आ गया था तो मैंने शेखत को कहा कि ठीक है यही ले लो, हम लोग अलग से धोती ले लेंगे यहाँ से. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. सो ये विहान पहने का दिन में, और इसके लिए हमें चाहिए था धोती जो मैंने लिया है कुछ भी हर से, पर ना धोती जो है वो इंडिविजुअली नहीं मिलता है, हमने ढूंढना बहुत लेकिन सब लोगों ने यही कहा कि धोती इंडिविजुअली नहीं मिलता है आपको. सो इसलिए हमें फिर से एक और सेट लेना पड़ा विहान के लिए, वो है ये वाला सेट. तो ये हमने कुछ भी हर से लिया है. सो ये भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है. ये है उसका कुर्ता, ये एकदम ये भी बेज कलर में बोल सकते हो, बेज और चीकू बोल सकते हो आप ये. तो ये कुर्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. अगर ये विहान राइस सेरेमनी के दिन नहीं पहनेगा तो सामने जैसे है सरस्वती पूजा भी है सो तब भी ये पहन सकता है, या कोई भी और ओकेशन पे अगर उसको एथनिक मैं पहनाना चाहती हूँ तो मैं ये पहना सकती हूँ उसे. सो ये मैंने अभी तक इसको नहीं खोला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये. और ये रहा उसका मरून कलर की धोती. सो ये मैं इसके साथ मैं पेयर अप करके विहान को पहनाऊंगी, ये कुछ ऐसा लगेगा. आई एम सो एक्साइटेड कि विहान कब ये पहनेगा. और इसके साथ ही ना एक जो है ये ऐसा वाला मोजरी आया है. आई एम नॉट श्योर कि ये विहान को आएगा कि नहीं, देखते हैं. मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है विहान के पैर पे, पर ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है. सो मैं देखूंगी अगर विहान को ये होता है तो मैं ऑफ कोर्स ये विहान को पहनाने वाली हूँ दिन के टाइम.
सो ये गया वियान का दिन के ड्रेस। एंड मैंने सोचा था कि वियान को मैं रात को शेरवानी पहनाने वाली हूँ, वो जो अभी इंडो वेस्टर्न स्टाइल में जो शेरवानीज आते हैं ना, सो वो मैं पहनाने की मैंने सोची थी। बहुत अच्छे अच्छे शेरवानीज थे वियान के साइज के, पर मैंने जो कलर सोचा था वो कलर मुझे नहीं मिला। एक्चुअली मैंने सोच के रखा था कि रात के जो फंक्शन होगा ना, रात के टाइम मैं, शेखत और वियान हम तीनों सेम कलर के कपड़े पहनेंगे, ये पहले डिसाइडेड है। और मेरी और शेखत की हम दोनों की जो शॉपिंग है वो हो गई थी पहले ही, मीन्स हम लोगों ने ब्लू चूज़ किया था कि रात के टाइम हम लोग ब्लू पहनेंगे। सो मेरी भी रात की आउटफिट हो गई थी ब्लू कलर की, शेखत का भी हो गया था, पर वियान के लिए हमने ब्लू कलर के शेरवानी इतना ढूंढाना नहीं मिला। तो फिर हमने देखा वियान के लिए ब्लू कलर का सूट, सो ये तो जो हमें एक बार ही देखते पसंद आ गया था, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शेरवानीज थे ना, पर ब्लू कलर में अगर होता मैं ऑफकोर्स वो लेती, लेकिन ब्लू कलर में नहीं अवेलेबल था, पर इसका कलर ब्लू में आ गया, सो हमने यही ले लिया है। मैं खोल के दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये हमने कुछ भी ऐसे ही लिया है, खोल जाओ। सो इसके अंदर जो है ना वो ब्लैक कलर की शर्ट है, जैसे आप देख सकते हो ये है ब्लैक कलर की शर्ट, और ऊपर से है एक टाई, और ये है उसका जो ब्लेजर, और इसके साथ ये है इसका पैंट ब्लैक कलर की। सो ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ब्लू में ही लेना था, ऑलरेडी हो गया था मेरा और शेखत का, तो वियान को ब्लू में ही हमें लेना था, सो इसलिए ये, पर हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो ये वियान पहनेगा रात के टाइम। सो मैंने किसी का भी प्राइस नहीं मेंशन किया है, पर आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे कि प्राइस क्या है। सो इस वाले कुर्ते की जो प्राइस है वो है 1255 रुपीज़, ये वाली कुर्ता पजामा की। देन आता है ये वाला जो कुर्ता धोती और प्लस जो सेट है, इसका प्राइस है 350 रुपीस टोटल, और इसकी प्राइस हमें पड़ी है 1385 रुपीस। सो ये, और अभी आते हैं हस्बैंड की शॉपिंग पे। तो शेखत जो है वो दिन में कुर्ता पहनने वाला है, सो मैंने कहा था उनको बहुत ज़्यादा कि एक नया ले लेते हैं आपके लिए, पर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कुर्ता रखा है, सो मैं उसमें से एक पहनने वाला हूँ, क्योंकि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होगा, सो इसलिए उन्होंने नहीं माना, मैंने उनको बहुत ज़्यादा कहा था। ठीक है, सो इसलिए उनका जो मन आएगा वो वही पहनेंगे, और रात के टाइम वो पहनने वाला है ये ब्लेजर। ये ब्लेजर ना मैंने उनको उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया है, तो लास्ट ईयर बर्थडे पे भी मैंने उनको ब्लेजर गिफ्ट किया था, पर मुझे ये पता नहीं था कि इस साल भी मैं उनको ब्लेजर ही गिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमें लेना ही था, तो मैंने सोचा कि ठीक है उनको उनके बर्थडे पे ही दे देते हैं। और कोइंसिडेंस ये है कि दोनों सेम स्टाइल में है, मीन्स दोनों का ही प्रिंस कॉलर है। अगर आपने मेरा जो लास्ट वाला बर्थडे ब्लॉग, मतलब मेरे हस्बैंड की बर्थडे ब्लॉग अगर देखा है तो आपको पता है वो ऑफ वाइट कलर की थी प्रिंस कॉलर में, और ये ब्लू कलर की है प्रिंस कॉलर में। ये भी हमने कुछ बिहार से लिया है, और ये लिया है सियाराम से, तो ये ब्लू कलर की है, और इसके साथ पेयर अप करने के लिए उन्होंने एक शर्ट जो है वो बनवाने दिया है, जो कस्टमाइज्ड होता है ना, सो वो अभी तक नहीं आया है, और इसका प्राइस पड़ा है आई थिंक 5000 रुपीज़। हाँ, और ये मैंने गिफ्ट किया है मेरे हस्बैंड को। सो ये अभी आते हैं मेरे शॉपिंग पे। और हाँ, मेरी जो ब्लाउज़ वगैरह है, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने कहा था कि ब्लाउज़ वगैरह मेरा अभी तक नहीं हुआ है, सो वो मुझे लाना है, किसी दिन जाऊंगी मैं ब्लाउज़ लाने के लिए। सो मैचिंग ब्लाउज़ नहीं है, ओके। और मैंने लिया है ये साड़ी दिन के टाइम पहनने के लिए। मेरी शॉपिंग इस बार ना बहुत अच्छा हुआ है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं दिखाती हूँ खोल के। सो ये है साड़ी, तो ये थोड़ा सा येलो ही बोल सकती हूँ मैं इसको, ये ना थोड़ा सा मतलब येलो, लेकिन वो भी बहुत ही ज़्यादा येलो नहीं है, अगर आप समझ सकते हो मेरी बात को। बहुत ही एकदम लाइट येलो है, येलो कलर की है,
और ऊपर से जरी वाला बॉर्डर है और नीचे में जो बॉर्डर है ना इसका, मतलब यहाँ से रेड है और नीचे में ये है इसका जरी वाला बॉर्डर. सो मुझे ना कुछ ऐसा वाला ही साड़ी चाहिए था दिन के टाइम के लिए, ताकि एक थोड़ा सा मामा वाली वाइब आए, ताकि लोगों को एक नज़र से देख के पता चले हाँ इसका इसकी ही बेटे की राइस सेरेमनी है ना. सो इसलिए मुझे चाहिए था ऐसा वाला कुछ. और ऐसा वाला साड़ी बहुत सारे थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन सब साड़ी में ही एक ही प्रॉब्लम था कि साड़ी का जो मेन काम है ना वो यहाँ से आता है और फिर पल्लू तक वो जाता है, लेकिन फुल जो साड़ी है ना, फुल साड़ी में बहुत ही हल्का हल्का सा काम है. बहुत ढूंढने के बाद ये एक ऐसा लौता साड़ी हमें मिला जिसका फुल बॉडी पे सेम वर्क है, जैसा यहाँ पे भी है वैसा सेम फुल बॉडी पे ही है, लेकिन बाकी साड़ी में बस यहाँ से हेवी वाला काम था और फुल साड़ी में एकदम हल्का पुल्का बहुत दूर दूर तक ऐसा काम था, तो जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इतना पे कर रही हूँ मैं, अगर उसमें उसके हिसाब से अगर काम इतना कम आए, बस यहाँ पे काम आ रहा है और बाकी सारी बस वही एक कलर की है, वो अच्छा नहीं लगता है. सो इसलिए बहुत ढूंढने के बाद ये साड़ी मुझे एक ऐसा मिला, इसमें फुल साड़ी बिल्कुल ऐसे ही सेम है. आप देखिए, मतलब कहीं पे भी काम के हिसाब से कोई कंजूसी नहीं किया गया है, फुल साड़ी में ही सेम काम है. तो दैट्स वाई मैंने ये साड़ी लिया है. मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया है. एक्चुअली मुझे ना इस टाइप का ट्रेडिशनल साड़ीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है. और ये है इसका आंचल. आई होप कि मैं ठीक से दिखा पाई आप लोगों को साड़ी. ये है फुल साड़ी. की प्राइस मुझे पड़ी है 2500 रुपीस. प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि फुल बॉडी पे ही ना सेम वाला काम है, इसलिए प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लिया है. ऐसी वाली साड़ी मुझे 1400-1500 में पसंद आ रही थी, लेकिन वही प्रॉब्लम था कि फुल बॉडी पे वर्क नहीं था, तो फुल बॉडी पे वर्क है इसलिए इस साड़ी का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है. और ये साड़ी आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा. सो ये मैं पहनने वाली हूँ दिन के टाइम. और फिर इसमें क्या है, हाँ मैंने एक मैचिंग पेटीकोट लिया है क्योंकि रात का साड़ी जो है वो ब्लू कलर की है और ब्लू कलर की पेटीकोट नहीं थी मेरे पास, तो इसलिए एक पेटीकोट लिया है मैंने. और हाँ, वियान के लिए ये भी हमने लिया है एक बॉडी वार्मर, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना, सो ऐसा फैंसी वाला कपड़ा पहनेगा और ऊपर से वो स्वेटर भी नहीं पहन सकता है, सो इसलिए हमने एक बॉडी वार्मर लिया है ताकि उसे थोड़ा सा मतलब ठंड ना लगे. सो ये लैवेंडर कलर में है और ये बॉडी केयर की है. इसकी प्राइस हमें पड़ी है 199 रुपीस. ये बॉडी वार्मर थोड़ा सा लेंथ वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है ऐसा मुझे लग रहा है. हाँ, सो ये बॉडी वार्मर हमने लिया है ध्यान के लिए. हाँ, बहुत ज़्यादा ये मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ध्यान के लिए हमने जो विंटर शॉपिंग किया है उस का हॉल वीडियो करने के लिए, सो वो मैं ना करूँगी. मैंने सोच के रखा है कि वो मैं करने वाली हूँ. जो भी एक्चुअली लास्ट दो महीने में हमने बहुत सारा शॉपिंग किया है विहान के लिए, सो विहान के लिए हमने जो भी लिया है तो वो सब कुछ मैं एक अलग ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, विहान का जो विंटर का जो शॉपिंग है वो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा जो रात का जो आउटफिट है वो दिखाने का टाइम है अभी. सो ये ब्लू कलर की है, ये है वो साड़ी, मैंने सिल्क की साड़ी लिया है. मुझे ना सिल्क साड़ीज बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर आप मुझे सिल्क साड़ीज दोगे और डिज़ाइनर साड़ीज दोगे, आई विल चूज़ सिल्क साड़ीज. मुझे सिल्क साड़ीज बहुत ज़्यादा पसंद है. एक्चुअली मुझे ना ट्रेडिशनल साड़ीज ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे ऐसा वाला. इस साड़ी को कहते हैं तोशोर. ये है साड़ी, ये ब्लू एंड सिल्वर कलर की जरी का वर्क है इसमें. सो फुल बॉडी ही कुछ इस तरीके की है. और नीचे का जो बॉर्डर है ना वो काफी ज्यादा मोटा है क्योंकि ऊपर का बॉर्डर है ये और नीचे का बॉर्डर है ये.
सो फुल साड़ी बिल्कुल सेम है. और ये है इसका आंचल. और ये है इसका काम. सो साड़ी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ ना सो साड़ी जो है और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा सबको, क्योंकि ये साड़ी का सब कुछ मैंने जो दिखाया ना वो किसी का भी मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन मैंने लिया है. बस एक लौता ये वाला चीज़ है जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है, एंड ये मैंने लिया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट. और इसका प्राइस आपको क्या लगता है कि इसका प्राइस कितना है? वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जाके कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि इसका प्राइस आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है इसका प्राइस. जाइए जाइए लिखिए. सो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी प्राइस कितनी है. इसकी प्राइस ना जो भी सुनता है वो भी ऐसे मुंह का खुला रह जाता है उनका. इतना लाइट क्यों आ रहा है? इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब डार्क ब्लू है. इसकी प्राइस है, मुझे पड़ी है इसकी प्राइस 890 रुपीज़ में मैंने इस साड़ी को लिया है. लेकिन मतलब किसी को भी नहीं लगता है देख के कि इस साड़ी का प्राइस इतना कम हो सकता है. ये ओरिजिनल सिल्क नहीं है, ये पॉली सिल्क का साड़ी है. लेकिन इस साड़ी को पहन के अगर आप किसी फंक्शन पे जाओगे या किसी वेडिंग पे जाओगे ना सो कोई आपको नहीं कह सकता है कि ये साड़ी इतनी चीप प्राइस की है. सो ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ रात के फंक्शन के लिए. सो दिन के टाइम सारे जो रिचुअल्स है वो सब कुछ होने वाला है, और रात के टाइम मतलब सारे जो गेस्ट्स हैं वो लोग आने वाले हैं. सो ये मैं पहनने वाली हूँ रात को. सो हम तीनों ही ब्लू 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 पहनेंगे. सो ये और बस इसी के साथ और बस ध्यान भी आ गया है, और मैं इसी के साथ ये हॉल वीडियो को ख़त्म करती हूँ. अगर आपको मेरा ये हॉल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं और ध्यान हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हमारी पागलबंदी वहाँ पर चालू रहती है. सो ये और बस मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. देखते हैं ध्यान कब मुझे ब्लॉग शूट करने देता है. सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.